सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमाने। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मेरठ में रैली करने वाले हैं। वही विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया गठबंधन भी आज एक महारैली कर रहा है, जिसमें सभी बड़े नेता शामिल हुए। इसका नाम लोकतंत्र बचाओ रैली रखा गया है, जो दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में शुरू हो चुकी है। रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, भगवंत मान, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत 28 विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए हैं। इस रैली को आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर लाने के समर्थन का नाम दे रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि रैली किसी एक के लिए नहीं बल्कि संविधान को बचाने के लिए रैली है। तो आज चुनावी रविवार साफ तौर पर कहा जा सकता है, चूंकि ऑफिस बंद है, लेकिन उसके बावजूद सियासत पुरजोर तरीके से शुरू हो चुकी है। तो इनकी हालत वो हो गई है कि मुझे लगता है गुनाह करते 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 करते, भ्रष्टाचार करते करते, दो तीन पीढ़ियों से इन पार्टियों की स्थिति यह हो गई है कि लज्जत कभी थी, अब तो मुसीबत सी हो गई, मुझको गुनाह करने की आदत सी हो गई। अब आदत से मजबूर होकर वह इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। इसमें एक और मैं कहना चाहता हूं बात, वास्तविकता में जिस रैली को इन्होंने लोकतंत्र बचाओ रैली कहा है, वास्तविकता में वो परिवार बचाओ और भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है। मैं पुनः कह रहा हूं, यह तथा कथित लोकतंत्र बचाओ रैली वास्तविकता में परिवार बचाओ भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है, क्योंकि सभी भ्रष्टाचारी एक दूसरे का साथ देते हुए भ्रष्टाचार के भाईचारे में एक साथ हैं। और यह मैं अभी आपको बता रहा हूं, परिवारवाद के कुछ नए आयाम, परिवारवाद के कुछ नए स्वरूप, परिवारवाद का के कुछ सदस्यों का नया अन्नप्राशन होता हुआ आपको आज नजर आएगा। दूसरी तरफ, इसलिए मैं सिर्फ एक लाइन में कहना चाहूंगा, ये लोकतंत्र और मोदी विरोध तो सिर्फ बहाना है, वास्तविकता में अपने अपने भ्रष्टाचार और गुनाहों को बचाना है। मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत और उसका केराना का आंशिक भाग है, आदि केराना की शामली जिला, करीब करीब 21 विधानसभाओं की रैली है और इसमें 2 लाख से अधिक की संख्या इस रैली में रहेगी, क्योंकि जनता स्वयं में आना चाहती है। जनता अपने, ये लोग फोन करके लिखवा रहे हैं कि हमारा ये फोर व्हीलर का नाम है, इसे अपने उसमें ऐड कर दीजिए, और ये देख ही रहे हो किस तरह से ये व्यवस्था चल रही। सर, पहले भी पिछले लोकसभा चुनाव में भी यहीं से शुरुआत की थी मोदी जी ने रैली की, इस बार भी यहीं से हो रही है, और इस बार क्या अंतर है? मतलब जैसे लोकदल जुड़ा है तो क्या इस बार डिफरेंस? इस बार अंतर है कि जो हमारा, जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जो सेकंड नंबर पर जो रनर लोकसभा में रहा तो राष्ट्रीय लोकदल रहा, आज फर्स्ट और सेकंड एक साथ है, तो चुनाव तो यहाँ है नहीं, यहाँ से एक दिशा और दशा दी जाएगी पूरे देश को। और आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ऐतिहासिक काम किया, उन्होंने गरीब व्यक्ति की चिंता की, उन्होंने गाँव की चिंता की। तो चुनावी रविवार है और आज सियासत धुआंधार हो रही है, जहां एक तरफ एनडीए पूरा मिलकर मेरठ में अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल भी लगातार अपनी एकता का परिचय देते हुए आज दिल्ली के रामलीला मैदान में नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस साफ तौर पर इस रैली को लेकर कह रही है कि ये लोकतंत्र को बचाने की रैली है, लोकतंत्र को बचाने के लिए आज रामलीला मैदान में लोगों का समर्थन मांगा जा रहा है, तो वहीं मेरठ से जीत की हैट्रिक लगाने के लिए फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिमी यूपी से यूपी का चुनावी शंखनाद आज करते हुए नजर आएंगे। मेरठ से राजन सोनकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजन, देखिए 12:30 बजे का वो समय तय था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेरठ में आगमन होना है, और कितना समय शेष रह गया है, कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? 12:30 का समय हो गया है और 3:30 बजे के लगभग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पर हेलीपैड से उतरेंगे और उसके बाद में ये कार्यक्रम स्थल है, यहाँ पर पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। गौरव सम्मान समारोह यहाँ पर साथ पूरे देश भर में एक बहुत बड़ा संदेश जाने वाला है चुनाव को लेकर, क्योंकि लोकसभा चुनाव का बिल्कुल बच्चे ही सरगर्मियां तेज हो गई है। तमाम राजनीतिक पार्टी सभी अपने अपने स्तर पर चुनाव प्रचार में लगे हैं, तो वहीं आज भारतीय जनता पार्टी की ये पहली और बड़ी विशाल रैली है जहाँ पर जनसभा को संबोधित किया जाएगा। 3:30 बजे के आसपास खुद नरेंद्र मोदी जो चुनाव प्रचारक है, स्टार भारतीय जनता पार्टी के, वो यहाँ पर पहुंचेंगे और एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। और मंत्री, मैं आपको मंत्री बताती है,
कार्य मंच साझा करेंगे। वहीं यहाँ पर तमाम लोग बिल्कुल, तो ये लगातार हम तस्वीरें देख पा रहे हैं किस तरीके से मेरठ में तैयारियां जोर शोरों से शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद यही वो मंच है जहां से जनता को संबोधित करेंगे। लेकिन देखिए राजन, 13 साल बाद ये एक बार फिर से ऐसा मौका आया है जब रालोद और भारतीय जनता पार्टी एक साथ मंच साझा करते हुए नजर आ रही है। क्या लगता है कितना ज्यादा समीकरण इन दोनों के साथ आने से बदलेगा पश्चिमी यूपी में, क्योंकि पश्चिमी यूपी भाजपा के लिए अभी भी बड़ी चुनौती है। लेकिन अब आर एल डी भाजपा में शामिल हो गई है तो माना जा रहा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने वाली है। तो वहीं यूपी में दो सीटें जो आर एल डी की गई है वो बागपत से राजकुमार चाकवान है और इंदौर से चौहान को सीट दी गई है। तो वहीं मुजफ्फरनगर से संदीप पालियान है और मेरठ से अरुण सोगल को मैदान में उतारा गया है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी रणनीति है वो बिल्कुल तैयार कर ली है और यह पहली रैली पूरे प्रदेश भर में पूरे देश भर में बहुत बड़ा संदेश देने वाली है, क्योंकि चौधरी साहब को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो कहीं ना कहीं अरेजी और किसानों की ये तमाम मांगे थी कि उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, लेकिन वो मिलने के बाद में कहीं ना कहीं खुशी की लहर भी कार्यकर्ताओं में और किसानों में देखने को मिल रही है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखिए जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजन यहां पहुंचेंगे जनता को संबोधित करेंगे तो प्रधानमंत्री सिर्फ मेरठ में मौजूद रहेंगे, लेकिन और कितनी लोकसभा सीटों की जनता को वो साधने की कोशिश आज यहां से करते हुए दिखाई देंगे। हाँ बिल्कुल, यह साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा प्रदेश प्रदेश भर में जाने वाला है। तमाम आरएलडी के कार्यकर्ता और सीटों के नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि सभी लोग 3:30 बजे का प्रेसन तैयार करें जब खुद नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। हमारे साथ में भाजपा मोदी जी, क्या नाम है आपका? क्या कहना चाहते हैं आज मोदी जी मेरठ आ रहे हैं 3:30 बजे के आसपास, क्या लगता है आपको क्या कहने वाले? काफी लंबे समय से हमारी चल रही थी चौधरी साहब को भारत रत्न देने का वो भी मिल गया। राजन मैं आपको रोकना चाहूंगी, दरअसल आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। मैं अपनी टीम से बोलूंगी दोबारा राजन से संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया जाए। लेकिन देखिए मेरठ से आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश करेंगे तो इससे साफ तौर पर अब ये कहा जा सकता है कि शक्ति प्रदर्शन पश्चिमी यूपी में भारतीय जनता पार्टी और रालोद मिलकर दिखाने वाले हैं। 2014-2019 में भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी यूपी को साधने की कवायद की थी तो उस दौरान भी शंखनाद मेरठ से ही किया गया था। अब भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य बढ़ा रखा है, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बढ़ा है, तो लाजमी है कि इस बार बीजेपी की जीत की तैयारी भी चुस्त दुरुस्त पूरी तरीके से नजर आ रही है और जीत का हैट्रिक लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से मेरठ को ही चुना है। तो देखिए आज जब मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे तो इस दौरान उनके साथ रालोद चीफ जयंत चौधरी भी एक मंच पर मौजूद होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इस मंच पर नजर आएंगे और चौधरी चरण सिंह को बीते दिनों ही राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है। जयंत चौधरी सम्मान को लेने खुद राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे। ऐसे में बीजेपी ने जहां एक तरफ मास्टर स्ट्रोक तो खेला ही है, लेकिन अब जयंत चौधरी के साथ आने से क्या भारतीय जनता पार्टी हारी हुई सीटों पर जीत का हैट्रिक लगा पाती है कि नहीं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। क्योंकि पश्चिमी यूपी को हमेशा जाट लैंड कहा जाता है और जाटों की पार्टी का टैग लिए जो रालोद इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का या यू का एनडीए का हिस्सा बन चुकी है, तो ऐसे में साफ तौर पर अटकले है कि अब जब जयंत चौधरी बीजेपी के साथ है तो उसका फायदा सीधा सीधा बीजेपी को भी मिल सकता है। एक बार फिर से राजन का रुख करते हैं। राजन देखिए आप लगातार कार्यक्रम स्थल पर मौजूद है, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लोग भी मौजूद है, लोगों से बातचीत करिए और ये जानिए कि उनका रुझान क्या है। राजन ठीक है, राजन से वापस संपर्क स्थापित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए जहां एक तरफ दिल्ली में विपक्षी दल एकजुट होकर
प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी ताकत अपनी शक्ति को दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ आज सियासत जबरदस्त तरीके से अपने उफान पर है, सियासत चरम पर है। और मेरठ से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जनता को जब संबोधित करेंगे तो एक बड़े तबके को कवर करने की कोशिश की जाएगी। ये रैली भले ही मेरठ में है लेकिन इसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिमी यूपी की 27 सीटों को साधते हुए नजर आएंगे, चूंकि पश्चिमी यूपी ये वही इलाका है जहां 2019 में भारतीय जनता पार्टी को काफी ज्यादा हार का सामना करना पड़ा था। और पहला जब चरण का लोकसभा चुनाव होगा यूपी में तो उसमें पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर चुनाव लड़े जाएंगे और उन 8 के 8 सीटों को साधने की कोशिश आज मेरठ से एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आने वाले हैं। तो मेरठ में चुनाव भले ही दूसरे चरण में है लेकिन पश्चिमी यूपी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार शंखनाद करते हैं और मेरठ को ही चुनते हैं। 2014 में भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी शंखनाद यूपी में किया तो उसकी शुरुआत भी पश्चिमी यूपी के मेरठ से की गई। 2019 में भी जब बीजेपी जीत का हैट्रिक लगाने के लिए या जीत दर्ज कराने के लिए चुनावी मैदान में उतरी तो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी यूपी को साधने के लिए मेरठ को चुना। और अब जब तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में बीजेपी उतरी है तो इस दौरान भी पश्चिमी यूपी के मेरठ को ही चुना गया है। एक बार फिर से राजन का रुख करते हैं। राजन, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल मुस्कान, आप सही कह रही हैं कि हैट्रिक की कहीं ना कहीं पूरी पूरी कोशिश है और इस पर भारतीय जनता पार्टी आज खुद एक बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित कर रही है और खुद स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी मेरठ पहुंचेंगे। और 3:30 बजे का समय, हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता है जो कार्यकर्ता है वो हमारे साथ में मौजूद है। क्या नाम है आपका? कुलदीप त्यागी एडवोकेट, अध्यक्ष हूं खसरा पार्टी। क्या कहना चाहते हैं आप? तो मोदी जी आ रहे हैं सुबह 7:30 बजे का, उत्तर प्रदेश में आपसी मिलनी है। नारा आपकी बात 400 बार इस पर जाके पक्का बिल्कुल पक्का पूरा होगा। 2014 है, 2019 भी हुई, अब 2024 में फिर दोबारा मोदी जी खुद मेरठ आ रहे हैं। मोदी जी मोदी जी को मेरठ की जनता ने पहले भी जब आए शुरू में आए थे बहुत प्यार मिला था, सम्मान मिला था। मेरठ जीत के गए थे यहाँ से, भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र अग्रवाल जी यहाँ से लोकसभा जीते थे। और इस बार भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी और उसका गठबंधन जो है वो जीते। तो राम जी के जो किरदार ने बात है तो उन्हें मैं नाम बता दिया और कई लाख वोटों। आप क्या कहने वाले हैं? देखिए भाई साहब, आप स्वयं इस बात को समझ रहे होंगे, दूसरी पार्टी के पास प्रत्याशी भी नहीं है। अभी तक तो यही सोच रहे किसको उतारे किसको काटे, पहले टिकट दे दिया फिर दोबारा काट दिया, अभी उनके पास प्रत्याशी नहीं है चुनाव लड़ाने के लिए। क्योंकि तो पूरा देश भगवान हो चुका है, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की लहर है और 400 पार सीट सबको पता है आने वाली है, इसलिए इनके पास प्रत्याशी नहीं है ढूंढने के। 3:30 बजे के आने की संभावना है, 12 बजे से आप लोग डेरा डाल के बैठे सुबह से ही। देखिए हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी में हम कुर्सी भी अपनी स्वयं दिखाते हैं, तो हम लोग तीन दिन से व्यवस्था खुद संभाले बैठे हैं। टेंट लगाने से लेकर दरे बिछाने तक का काम पार्टी का कार्यकर्ता करता है। हमारी पार्टी में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि दूसरे आए और आकर बैठ गए, पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है, उसे सम्मान मिलता है। सुबह से ही नहीं, पिछले 3 दिनों से यहाँ पर है और माननीय प्रधानमंत्री जी का वो प्रतीक्षित इंतजार है और सभी लोग आस लगाए बैठे हैं कि प्रधानमंत्री जी कब आएंगे और उनके विचार कब सुने। तो बिल्कुल देखिए मुस्कान, साफ तौर पर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है और 3 से 4 दिन का समय हो गया है जब कुछ कार्यकर्ता और पदाधिकारी मेरठ में डाले हुए हैं और बेसब्री से मोदी जी के आने का इंतजार कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी की जो प्रशासन नहीं आया था उससे पहले हम यहाँ पर, क्योंकि मैं किसान परिवार से हूँ, ना कुत्ता सुरक्षित था, ना चूल्हा सुरक्षित था, ना बेटियां सुरक्षित थी, ना स्कूल सुरक्षित थे। आज जो बाजार मेरठ में पता कर लीजिए जिसमें गाड़ियां कटती थी, जहाँ ये हमें भरोसा नहीं रहता था कि हम गाड़ी छोड़ कर गए और वापस आए तो गाड़ी साफ, आज उस बाजार में आप जाके देख लीजिए जूते चप्पल कपड़ों की मार्केट है वहाँ पे। हाजी गल्ला नामो निशान नहीं, जो पंचर लगाने वाला व्यक्ति था जिसकी कम से कम कई अरबों की संपत्ति पाई गई, इसके बाद भी 3370 राम मंदिर, जनता की समस्याओं का समाधान, बहन बेटियों को सम्मान, 33% महिलाओं को, और आज देखिए आप चरण सिंह जी को आप देखिए गौरव भारत रत्न आज दे रहे, कांग्रेस जैसे 70 साल पहले नहीं दिया, छुपाए रखा। लेकिन भाजपा की नीति क्या है, मोदी जी का क्या है नियम, कि सबका साथ सबका विकास, सभी को साथ लेके चलने वाले। विपक्ष को लगातार आरोप लगाता हुआ है, देखो विपक्ष अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहा, उसे केवल अपना
बचाव रखना, परिवार की राजनीति करते हैं। आप देखिए भाजपा में पतन चलता है, कुर्सी बैठा वाला व्यक्ति कब यहाँ से निकल के उस मंच पर पहुंच जाए, ये भाजपा में संभव है और किसी पार्टी में संभव नहीं है। बूथ का कार्यकर्ता पता नहीं कब कहाँ पहुंच जाए, आप देखना जरूर जब यह रैली समाप्त हो जाएगी, यहाँ पर कोई भी गंदगी का निशान के मतलब साफ सफाई करके जाएंगे, यहाँ बिल्कुल कोई ऐसा नहीं लगेगा आपको कि यहाँ रैली हुई या अव्यवस्था फैली मिली, कुर्सियाँ सब साफ सफाई करके कंप्लीट करके जाएंगे यहाँ पर। मैं आपको वैसे एक बात और बता दूँ, आप ये खुद देखिए 70 सालों से अगर किसी चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान देने का काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 70 सालों में चौधरी चरण सिंह जी बने प्रधानमंत्री रह चुके और कांग्रेस के शासन में कई बार वो गठजोड़ में प्रधानमंत्री बने हैं या वो मंत्री बने हैं, लेकिन अब तक 70 सालों में जो सम्मान मिला है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिला है। भारत रत्न से नवाजे गए हैं, ये काम और कोई नहीं कर रहा, भारतीय जनता पार्टी स्वयं कर रही है। उन्हें पता है किसानों का मसला कौन सा, बिल्कुल महिलाओं से ही बात कर लेते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता जो है वो महिलाएं हैं और महिलाओं से बात करनी बेहद जरूरी है कि तमाम योजनाएं सुविधाएं महिलाओं के लिए। आपसे बात करना चाहूंगा, आज बीजेपी का कार्यक्रम है और खुद इसका सरकार है नरेंद्र मोदी मेरे नारे, क्या कहना चाहते हैं महिलाओं के लिए क्या कुछ किया सरकार ने? महिलाओं के लिए जितना इस मोदी सरकार ने किया आज तक किसी ने किया ही नहीं था। 33% का आरक्षण देके महिलाओं को जो सम्मान मोदी जी ने दिया है उसके लिए हम लोग उनका आभार व्यक्त करने के लिए ही यहाँ पर आए हैं। और समय से पहले पहुंचकर आप उत्साह देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्यकर्ताओं का इस लाइन पे क्या बना हुआ है, और सब बहुत बहुत ज्यादा उत्सुक है मोदी जी को यहाँ पे सुनने। बिल्कुल मोदी जी दोपहर बाद आने वाले और सुबह से आप लोग आप पहुंचे तो यानी कि दिख रहा है कि काफी उत्साह, आप क्या कहना चाहेंगे? हम बस यही कहना चाहेंगे कि मोदी जी ने जो महिलाओं को सम्मान सुरक्षा दी है वो आज तक किसी ने नहीं दी है, और जो हमारे लिए मोदी जी ने योगी जी ने जो योजनाएं दी है बहनों के दर्द को जो समझा है वो आज तक किसी देश के प्रधानमंत्री ने समझा ही नहीं था। क्योंकि अब आज देख रहे हैं कि महिलाओं में जो जोश दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है वो सिर्फ इसी वजह से है कि हमारी पूजा समझने वाला हमारा पति भगवान भोलेनाथ के रूप में हमारे लिए आ जा रहा है, तो उनको सुनने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बिल्कुल, लेकिन देखिए लगातार अब जो समय है वो नजदीक आता जा रहा है राजन, और समय बढ़ता जा रहा है, ऐसे में अब इस मसले पर किस तरीके से राजनीति होगी और क्या कुछ साधने की कोशिश यहाँ से की जाएगी इस पर भी बात करना बहुत अहम हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद तो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, एक तरफ दिल्ली में इंडिया अलायंस अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, दूसरी तरफ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एनडीए के तमाम नेता मौजूद होंगे, एक मंच पर नजर आएंगे, तो क्या माना जाए कि आज एनडीए का साफ तौर पर मेरठ से शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा? रैली का आयोजन किया गया है, तमाम विपक्षी दल अपनी अपनी पार्टियों के जो है वहाँ पर एक बड़ा आयोजन कर रहे हैं और यहाँ पर खुद स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी यहाँ पर आके जो है जनसभा को संबोधित करेंगे और वैसे यूपी से पहली उनकी चुनावी रैली है, उसमें भारत का पता नहीं जाएगा इस पर क्या करने वाले, कौन सी रैली मजबूत रहेगी मेरठ क्रांति धरा यहाँ होता है और यही रैली हमारी सबसे मजबूत होती है। आप देख रहे हैं कि इस टाइम सारा विपक्ष एक हुआ हुआ है क्योंकि वो लोग बौखलाए हुए हैं, उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि आप देख रहे हैं जनता अपने आप ही अपने मोदी जी के फेवर में होती जा रही है। जैसा कि कोरोना काल आया, कोरोना काल में लोग घर में घुस रहे थे क्योंकि वो खाने पीने को नहीं मिल रहा था, उसकी चिंता सिर्फ हमारे नरेंद्र मोदी जी ने करी और 9 महीने के अंदर उन्होंने वैक्सीन बनवाई और देशों में भी भेजी और लोगों को घर बैठे आज तक भी राशन मिल रहा है। जो कार्य नरेंद्र मोदी जी ने किया, आदरणीय योगी जी ने किया, वो आज तक किसी ने नहीं किया, इसलिए यूपी से ही तंगनाज होता है और रैली हमारी सुपर हिट जाएगी और हमारा सबसे पहले आपको दिखाएंगे 400+ बार हमारा होने वाला है। बिल्कुल, आप बताइए अरुण गोविंद को मैदान में उतार दिया है मेरठ से, एक बहुत मजबूत सीट है यूपी की और खासतौर से अरुण गोविंद यहाँ तो प्रत्याशी है, तो किस तरीके से जीत पाने वाले हैं क्या कुछ कहना चाहिए? प्रत्याशी हमारे अरुण गोविंद जी साक्षात राम स्वरूप है और हमारे लिए एवं मेरठ की जनता उन्हें पाकर इतनी खुश है कि उनकी खुशी शायद आपको दिखती रही होगी। यहाँ पे खुद उनकी रैली को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आ रहे हैं, तो हमारे प्रत्याशी कोई भी हो, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल, हमारा प्रत्याशी नरेंद्र मोदी। तो बिल्कुल यहाँ पर आरएलडी के भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देखिए आरएलडी से तो हम लगातार बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर मेरे मुताबिक एक चीज बहुत अहम हो जाती है कि हम ये तो मान के चल रहे हैं कि आज मेरठ के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही पूरा एनडीए कुनबा अपना शक्ति प्रदर्शन करता हुआ नजर आएगा, लेकिन आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य रूप से अरुण गोविल के समर्थन में वोट मांगेंगे तो एनडीए का कौन कौन सा नेता उनके साथ मंच पर मौजूद रह सकता है राजन?
बिल्कुल देखिए एनडीए के तमाम जो दिग्गज नेता है, चौधरी शरद सिंह के पुत्र है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद, तमाम जैसे दिग्गज जो गठबंधन में है वो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और आरएलडी के जो तमाम कार्यकर्ता उनसे बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी का जो गठबंधन हुआ उस पर बिल्कुल माना जाता है। आज क्या कहना चाहेंगे आप, भारतीय जनता पार्टी का और आरएलडी का गठबंधन हो गया? मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने गौरव समारोह ये रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद जयंत चौधरी जी को, जो समझौता हुआ है और उसके लिए सभी जो 80% किसान है बहुत ही प्रसन्न है, गुड़ बांटा गया है पूरे देश में बहुत ही किसानों ने यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों दलों के लिए, एनडीए के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो आपसे जानना चाहूंगा, भारत रत्न की काफी समय से मांग थी और वो मांग भी पूरी हो गई है, काफी प्रयास भी किया है और सरकारों में और सरकारों में क्या कुछ देखने को मिला है? ये नरेंद्र मोदी जी ने जो भारत रत्न चौधरी साहब को दिया है, ये किसान इसके लिए बहुत अच्छी मंद है। दो तीन नारे हैं, चलेगा नल खिलेगा कमल, अब की बार चार चौपार। हमारे नेता ने कहा है कि अब की बार जमुना भी 400 पार ही होगा। हमारे नेता की ताकत इस विपक्ष को पता चल जाएगी। लेकिन देखा जाए तो आरएलडी को तो दो सीटें दी गई, बिल्कुल ठीक है। राजन वापस आपका रुख करेंगे, लेकिन देखिए जहां एक तरफ जेल में केजरीवाल है, विपक्षी दल लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने की बात कहते हुए विपक्षी दल नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज मेरठ में गरजते हुए बरसते हुए और विपक्षियों पर हमलावर नजर आएंगे। यूपी में समाजवादी पार्टी के लिए अब एक नई मुश्किल खड़ी हो सकती है। पल्लवी पटेल ने सपा के वोट बैंक में सेंध लगाने की मानो पूरी तैयारी कर ली है। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन किया है। इससे साफ है कि पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव के पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक अभियान का जवाब पिछड़ा दलित और मुस्लिम को एक मंच पर ला कर देंगी। पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कमेरावादी और ओवैसी की पार्टी AIMIM ने लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन किया है। पल्लवी पटेल और ओवैसी के बीच इसको लेकर मीटिंग भी हुई है। दोनों नेताओं की तस्वीरें सामने आई है। पल्लवी पटेल के साथ उनके पति पंकज निरंजन भी मौजूद रहे, तो ये तस्वीर आपस में बहुत कुछ कहती है। इस तस्वीर के जरिए कहा जा सकता है कि पीडीए का नारा जो अखिलेश यादव लगातार बुलंद कर रहे हैं उसको एक तगड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि जिस तरीके से दोनों ही पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं की मुलाकात हुई है, आपस में चर्चा हुई है, तो इसके जरिए साफ तौर पर एक बात कही जा सकती है कि यूपी की सियासत में बहुत बड़ा डेंट इंडिया अलायंस को पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी मिलकर लगा सकते हैं। तो देखिए पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी की मुलाकात के मायने बहुत हैं। लगातार ये दोनों ही नेता आपस में मुलाकात करते हुए भी नजर आए। इस दौरान जब पल्लवी पटेल असदुद्दीन ओवैसी के साथ मुलाकात करने पहुंची तो उनके साथ उनके पति निरंजन भी मौजूद रहे और अटकले हैं कि 2 बजे का वो समय होगा जब दोनों ही पार्टियों के नेता एक सामूहिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान हो जाएगा कौन कितनी सीटों पर कहां से चुनाव लड़ेगा और क्या रणनीति रहेगी आगे उनकी लोकसभा चुनाव को लेकर। तो अब यूपी में एक नया गठबंधन देखने को मिलने वाला है, जहां एक तरफ एनडीए है, इंडिया है, तो अब पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी के इस गठबंधन का नाम क्या होगा अभी तो फिलहाल इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन ये बात तो लगभग तय है कि ये दोनों ही नेता आपस में गठबंधन करेंगे और जिस नारे को लेकर अखिलेश यादव आगे बढ़ रहे थे अब उसको डेंट देने का भी काम ये दोनों नेता करते हुए नजर आएंगे। तो तकरीबन सूत्रों के हवालों से जो खबर है वो ये है कि 35 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है।
और आज उसका ऐलान भी हो जाएगा। लखनऊ में 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो तस्वीर है, जो अटकलें हैं, उन पर पूरी तरीके से पूर्ण विराम लग जाएगा और इस बात का ऐलान हो जाएगा कि पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और इससे भी सस्पेंस हट जाएगा कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि लगातार पिछड़ों की राजनीति कर रहे, लगातार पिछड़ों की बात कर रहे अखिलेश यादव को एक तगड़ा झटका लगेगा, क्योंकि लगातार पल्लवी पटेल अखिलेश यादव से नाराज थी। जिस तरीके से राज्यसभा सांसदों के उम्मीदवारों का ऐलान किया गया था, तब भी पल्लवी पटेल काफी नाराज नजर आई थी कि अखिलेश यादव से पीडीए की बात करते हैं, लेकिन जब पीडीए के इंप्लीमेंटेशन की बात आती है तो अखिलेश यादव उस पर गौर नहीं करते हैं। जिस दिन राज्यसभा के लिए मतदान होना था, उस दिन भी पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव के बीच कहा जा रहा था कि नोकझोंक हुई है। उसके बाद पल्लवी पटेल ने भारतीय जनता पार्टी को एक कड़ी पटखनी दी, वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में वोट देने पहुंची, लेकिन अब अखिलेश यादव को एक तगड़ा झटका देने की तैयारी में भी अब पल्लवी पटेल निकल चुकी हैं। तो राजनीति में लगातार इस वक्त तरह तरह के प्रयोग हो रहे हैं। यूपी की राजनीति साफ तौर पर कहे तो एक प्रयोगशाला बन चुकी है, जहां हर एक पार्टी, हर एक दल बस जीत का वो ताज देख रहा है और जीत के ताज को हासिल करने के लिए अलग अलग पार्टियों से गठबंधन कर रहा है। जोड़ तोड़ की रणनीति लगातार चालू है। इसी बीच अब यूपी की राजनीति की प्रयोगशाला में एक नया प्रयोग हो रहा है, जिसका ऐलान 2 बजे अटकले है कि हो जाएगा। फोन लाइन पर वैभव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव, देखिए लगातार राजनीति में नया नया प्रयोग हो रहा है, जहां एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया है, तो वहीं अब यूपी में एक नया गठबंधन देखने को मिलेगा पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी का। कितने बजे आज ऐलान होने वाला है? जी वैभव, वैभव क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, 2:30 बजे ऐलान होगा। 2:30 बजे पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी प्रेस वार्ता करेंगे अवध क्लास होटल में और इस गठबंधन को एक शुरुआत देंगे। बिल्कुल, आज एक नया गठबंधन देखने को मिलेगा। जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं, तो क्या इन दोनों के साथ आने से अखिलेश यादव के पीडीए को झटका लगने वाला है? जी बिल्कुल, जैसा कि जो समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है एम और वाई का है, यादव और मुस्लिम, और असदुद्दीन ओवैसी के जो वोट बैंक है वो भी मुस्लिम का है, तो कहीं ना कहीं ये वोट बैंक जो सेंध है वो समाजवादी पार्टी के वोट बैंक पे लगेगी। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी को क्या लगता है वैभव की एक तगड़ा डेंट देने की तैयारी में है ये दोनों ही नेता? जैसा कि आपने अभी हाल में देखा था कि पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी से अलग हटी थी, पीछे हट गई थी अपने 2 प्रत्याशियों का नाम सामने रखते हुए। बिल्कुल, देखिए वैभव, ये बात तो तय है, तकरीबन 2:30 बजे इस बात का ऐलान हो जाएगा, लेकिन क्या लगता है कितनी सीटों पर दोनों ही नेता मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं? ये बात अभी कुछ सामने नहीं आ रही है कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, पर ये जरूर है कि समाजवादी पार्टी को ये एक अच्छी टक्कर देने वाले हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है वो मुस्लिम वोट बैंक है और असदुद्दीन ओवैसी का भी जो वोट बैंक है वो मुस्लिम वोट बैंक है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद वैभव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए, तमाम अपडेट और जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी और मुझे दे इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो इज 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस के मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार ही मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद में अब दोबारा आया हूँ तो इज 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका मैंने। हाँ, मतलब मैं गंगाराम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज़ अब बेटर है।